बहराइच कल्ला मंडी चौकी के दबंग सिपाहियों का कहर पंचर बनाने वाले मजदूर पर टूटा। सरे राह बूट से की पिटाई। लंबे समय से गल्ला मंडी चौकी में तैनात पुलिस कर्मियों पर जमकर करते हैं वसूली। जिस तरह देश की सीमा पर मुस्तैद रहकर हमारे देश के जवान हमारी सुरक्षा करते हैं, ठीक उसी तरह देश के भीतर हमें सुरक्षा का एहसास कराने और अपराधियों से सुरक्षित रखने के लिए खाकी धारी पुलिस कर्मियों की तैनात की गई है। लेकिन सोचिए, जब सुरक्षा में तैनात रक्षक ही भक्षक हो जाए तो आपकी सुरक्षा कैसे हो सकेगी और आपकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? सूबे की कमान संभालते ही सीएम योगी ने अपराध मुक्त प्रदेश बनाने के वादे किए और पुलिस को इस पर अमली जामा पहनाने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। लेकिन जिले में इन दिनों आम जनता पर अपराधियों का कहर तो जारी ही है, लेकिन खाकीधारियों का सितम भी कुछ कम कहर नहीं बर पा रहा है। पूरा मामला क्या है, आइए दिखाते हैं राजकुमार की इस खास रिपोर्ट में। रानी, क्या मामला, कहाँ रहते हैं? असलारपुर रहते हैं। क्या मामला? ऐसा है कि हमारा लड़का बुकिंग चलाता है गाड़ी, और वो एक लेडीज महिला को वहाँ अपना बुकिंग पे ले जाना था। आज हफ्ता भर पहले की बात है। तो जब जो है हमारा लड़का यहाँ पहुँचा गल्ला मंडी चौकी के पास, तो सिपाहियों ने रोक लिया। उसके बाद जो है देखा गाड़ी में कुछ मिला नहीं। उसने पूछा उछा तो हमारे लड़के ने बताया कि ऐसा है कि हम बुकिंग ले जा रहे हैं। उसको कुछ नहीं मिला तो हमारे लड़के का मोबाइल ले लिया और उससे कहा कि ऐसा है कि आप इस लड़की को छोड़ के आइए, फिर हम जो है मोबाइल आपका देंगे। फिर वो जब आया तो उसको मोबाइल नहीं दिया और हमारे लड़के को बंद कर दिया, मारा पीटा। उसके बाद फिर मारने पीटने के बाद हमको सूचना भी नहीं दी। जब हमको पता चला सुबह हम आए तो जो है वो पैसा मांग रहे थे। कौन लोग? यही महेंद्र सिंह और सुरेंद्र राय। क्या है, क्या है ये, क्या है ये? सिपाही है। ये सिपाही है। और उसके बाद फिर जो है जब बात आई तो 50,000 मांग रहे थे। हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की, फिर हमने कहा कि ऐसा है साहब, हम लोग नहीं दे पाएंगे। फिर 20,000 पे बात आई। 20,000 हम लोगों ने अपना जेवर बेच करके उधार पानी लेकर के इनको दे दिया। फिर देने के बाद इन्होंने बात ख़त्म कर दी। फिर जो है आए हमारी दुकान पे। कब? आज। फिर उसके बाद हमारे हस्बैंड को मारा, गाली दी बहुत, बिटिया बहन की, माँ बहन की गाली उल्टी सीधी की, इसी 5,000 के लिए। कहा हमको 5,000 रुपये दो, तो हम गरीब इंसान हैं, पंचर की दुकान है, बच्चे हैं, हम लोग कहाँ से पाएँ। उन्होंने नहीं माना, आ गए दुकान पे, फिर मारा पीटा, मार पीट के चले गए। किसको मारा? हमारे पति को मारा। 5,000 मांगने आए थे। 5,000 मांगने आए थे।